हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है श्रद्धा। मैं मेकअप, फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। मेरा हैंडल है श्रद्धा सुलभ 157। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ये वन ब्रांड मेकअप लुक, जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आपको अंडर 100 रुपीज़ भी मिल जाएंगे। सो अगर आप देखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिना किसी देरी के हम जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन वेरी वेल। नाउ आई एम यूजिंग द प्राइमर एंड आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक। पोर मिनिमाइजर प्राइमर है ये। ये आपके जो पोर्स होते हैं उनको ब्लर कर देगा, ऐसा ये क्लेम करता है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और ये मुझे 10 ml की क्वांटिटी मिली है, आई थिंक 100 या 110 रुपीज़ में। सो वी विल यूज़ दिस टुडे। आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ क्वांटिटी एंड मैं अपने फिंगर्स में इसको थोड़ा सा वार्म अप कर लूँगी। देन आई अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड जहाँ भी मुझे ज़्यादा पोर्स हैं फेस पे मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, क्योंकि मेकअप करने के लिए आपको नेक को भी अच्छे से प्राइम करना। काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका। अच्छे से ये आपकी स्किन पे पूरा फैल जाएगा एंड काफ़ी सॉफ्ट सी फीलिंग है इसकी। तो मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस। सो जो भी प्रोडक्ट गाइज मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाली हूँ उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप वहाँ से चेक इट आउट कर लेना। लिंक के से आप परचेज भी कर सकते हो। एंड दिस लिंक इज़ नॉट फॉर लाइक मैंने प्रोवाइड किया है एंड मुझे कुछ अर्न होगा, नो। दिस इज़ ओनली फॉर यूर हेल्प कि आप डायरेक्ट लिंक खोल के परचेस कर सकते हो। So I'm done with the primer guys and now we are applying the foundation. So मेरे पास ये इनसाइट का फाउंडेशन अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, ये उनका लिक्विड फाउंडेशन है। मेरा शेड इसमें 0 to Rose Beach। तो इसमें कि ड्रॉपर आता है बट ड्रॉपर तो इतना ज़्यादा वर्केबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे, इसका जो ड्रॉपर का बॉन्ड है हम उसकी हेल्प से इसको अप्लाई कर लेंगे। ये अच्छा है, मतलब वो फुल कवरेज तो नहीं है बट या इट्स गुड। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो फिर आपको इसको 2 या 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए तो फिर दैट्स ओके। ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंड दिस। तो आई एम यूजिंग दिस पार्ट फॉर ब्लेंड माई फाउंडेशन। ये बहुत लाइट वेट है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा कि आपने स्किन पे कुछ अप्लाई किया है। अच्छा है, और ऑक्सीडाइजेशन के बारे में मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 या 3 बार वेयर किया है, बट उस 2 या 3 बार में ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है एक्चुअली। 3 या 4 आवर्स के लिए मैंने इसको वेयर किया था एंड इट्स गुड। सो यू कैन ट्राई दिस। एंड 160 रुपीज़ में आई थिंक दिस इज़ द गुड डील, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो फॉर कंसीलिंग आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस अगेन। मैं इसी को यूज़ कर लूँगी एज अ कंसीलर जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत है। Again, I'm not using this part. I'm using this part to blend under the eyes. अगर आप ये वाले पार्ट से blend करोगे तो काफ़ी अच्छे से blend होगा। Always use this part to blend bigger areas and this part to blend under eye area. So अगर आपको अपनी baking करनी है eyes के नीचे तो आप इस तरफ का पार्ट यूज़ करके बेकिंग कर सकते हो। एंड देन अगर आपको कॉन्टोर करना है तो आप ये वाला साइड यूज़ करके कॉन्टोर ब्लेंड कर सकते हो। सो दिस इज़ मल्टी यूज़ एंड अदर साइड से आप लिक्विड ब्लश या फिर लिपस्टिक से अगर आप ब्लश अप्लाई करना चाहते हो या कोई लिप चिप टिंट आप वो अप्लाई करना चाहते हो तो इस साइड से वो भी ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। So for compact, I'm using this flawless matte finish HD finish loose powder from Insight Cosmetics again। इसका शेड है रोजी ग्लो 03। ये आपको 125 रुपीज़ की MRP है इसकी और ये शायद डिस्काउंट में आपको कम में मिल सकता है। तो दिस वन इज़ गुड। ये मैं काफ़ी बार अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर चुकी हूँ, अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं। सो इसके साथ एक ये स्पंज आता है, ऐसा स्पंज एप्लीकेटर, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट आप डायरेक्ट लेके भी यूज़ कर सकते हो। सो आई डोंट नीड बेकिंग, तो मैं डायरेक्टली इसको ही एज अ कॉम्पैक्ट और एज अ पाउडर अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे। काफ़ी अच्छी मैट फिनिश देता है ये और इसमें आपको और भी शेड्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। सो आई एम डन विथ माई बेस, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। सो फॉर कंटोरिंग आई एम यूजिंग दिस इनसाइट कॉस्मेटिक डुओ 2-in-1 स्टिक। इसमें एक हाइलाइटर और एक कंटोर है, तो हम इस वाला जो कंटोर इसके साथ आया हम वो यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये वाला जो साइड है इससे आप कंटोरिंग को ब्लेंड कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी अच्छे से आपको एक फिनिश देगा। और ऑलवेज़ यूज़ योर डैम्प स्पंज, डोंट यूज़ ड्राई स्पंज, क्योंकि वो आपका सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपको कुछ भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। सो यू कैन जस्ट सी हाउ गुड इट इज़। For threading I am using this Insight Cosmetics Kajal pencil. This is so intense black. I also reviewed it on my channel. तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मैं बहुत लाइट स्ट्रोक्स दूँगी इसके ताकि बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग अजीब ना लगे हमारी। So if you are using any of Kajal for your threadings, so do the light strokes for that. You can just see this is looking so natural. So now I'm applying the blush, and for blush I'm using this Insight Matte lipstick. ये काफ़ी प्रिटी सा शेड है, शेड नंबर A6 फर्स्ट लव। तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे। सो अगेन यूज़ दिस पार्ट विच इज़ क्लीन फॉर ब्लेंडिंग योर ब्लश। You can just see this is beautiful. So I have these two shades from Insight Cosmetics. ये है Insight Matte Lip Ink and ये है Insight Non Transfer Lip Color। इसमें मेरा शेड है 25 Melton Pink और इसमें मेरा शेड है 21 Trinity, sorry Trini, 21 Trini। So I want to mix both of them. First I am applying this and then we mix it both. Look at the shade, how beautiful it is. This is so good. Product is this Mermaid Scale 01 highlighter from Insight Cosmetics। ये कुछ इस तरह का शेड आप देख सकते हो। So I am applying this from my fingertips। काफ़ी पिगमेंटेड है। Just wow, this is so good। can just see how glowy it is. This is so cool. Just love it. And the texture is so good. How beautiful it is. You can see it is so good. So good. And I am telling this is superb. And actually this is under 100 and अभी जब सेल थी Amazon पे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल था. एंड आई वॉन्ट टू ट्राई दिस एंड मैंने इसको ऑर्डर कर दिया एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस. ये फुल पैसा वसूल है. कैन जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज. सो ग्लोई सो अमेजिंग. गाइस गिव इट अ ट्राई. इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे तो आप वो भी चेक इट आउट कर लेना. सो दिस वन इज माई फेवरेट नाउ फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स. परफेक्ट एकदम ब्यूटीफुल. सो आपको मैं शेड एक बार और बता देती हूँ. मर्मेड स्केल 01 कैन सी. सो नेक्स्ट इज सेटिंग स्प्रे ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे. ये भी है इनसाइट कॉस्मेटिक्स से मेकअप फिक्सर स्प्रे. लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, नॉन स्टिकी एंड रिफ्रेश्ड. तो हम इसको शेक कर लेंगे एंड हम अच्छे से इसको स्प्रे कर लेंगे हमारे पूरे फेस पे. सबसे अच्छी चीज़ इस स्प्रे की है कि ये वाकई में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. एंड जो इसका फ्रेगरेंस है वो काफ़ी सूदिंग है. मतलब ऐसे बहुत ऐसे कुछ हार्श सा या कोई ऐसे लाइक अजीब सी जो फ्रेगरेंसेज आती है स्प्रेज में वो नहीं है. इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा. ये 75 ml में आपको बॉटल मिल जाता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है. मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. सो या गाइज दिस इज़ द कंप्लीट लुक जो हमने इनसाइट कॉस्मेटिक्स से क्रिएट किया है. सो या गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक विच आई क्रिएटेड विद इनसाइट कॉस्मेटिक्स. सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लुक क्रिएट करके एंड आई जस्ट लव दिस लुक. एंड स्पेशली मुझे प्राइमर, लिपस्टिक एंड हाइलाइटर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो डू चेक इट आउट. मैं आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं. अभी अमेज़ोन पे सेल थी तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो कि मेरे लिए न्यू थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सारे प्रोडक्ट. सो आप चेक इट आउट कर लेना. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें. मेरा हैंडल है श्रद्धा सुलभ 157. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा. सो सी यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम.